दोस्तों, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर करके परेशान हो गए हो, आप काफ़ी टाइम अप्लाई किया होंगे और आपको बाद में उसके बावजूद भी आपको कार्ड नहीं मिला है क्रेडिट कार्ड, इस समय आप क्या कर सकते हो? यूनिपे वन थर्ड कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यूनिपे वन थर्ड कार्ड एक क्रेडिट कार्ड की तरह है। इस पर आपको एक अगर नॉर्मल सा सिबिल स्कोर रहेगा तो आपको ये कार्ड मिल जाएगा। इस कार्ड में और एक फैसिलिटी है, जैसे कि अगर आपका जब बिल जनरेट होगा, आपका महीने में जितना का भी बिल जनरेट होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एक महीना में 30,000 का बिल जनरेट हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, 30,000 को एक 3 महीना में कन्वर्ट कर पाएंगे और 10,000 करके 3 महीना में पे कर पाएंगे और आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा। ये जो फैसिलिटी है दूसरा क्रेडिट कार्ड में ये अभी तक नहीं है, यूनिपे वन थर्ड कार्ड में इस फैसिलिटी अवेलेबल है। फिलहाल तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको किसी भी तरह का फ़ीस की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको एक पैसा का ज्वाइन फीस देना होगा, ना ही आपको एनुअल फ़ीस देने की ज़रूरत है। फिलहाल इस कार्ड को फ्री में दिया जा रहा है और इस कार्ड के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही 2-3 मिनट के अंदर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ और इस कार्ड को आपका जो एड्रेस है, इस एड्रेस पर 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका एड्रेस पर ये फिजिकल कार्ड मिल जाएगा और अप्लाई करने के बाद तुरंत आपको एक वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा, जो कि आप यूनिपे ऐप से कनेक्ट करके आप उसे ऑनलाइन ख़रीदारी शुरू कर सकते हो। और यह बात भी सही है, अगर आप किसी भी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड लेते हो, जैसे कि मान लीजिए SBI का क्रेडिट कार्ड या ICICI बैंक का या किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर लेते हो, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है लेना। इसके लिए आपको सैलरी स्लिप देना होता है, इसके लिए ITR का वो देखना होता है, तो वो काफ़ी मतलब बहुत ही मुश्किल होता है इस कार्ड को, बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसको लेने के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। यूनिपे जो क्रेडिट कार्ड है इसको लेने के लिए काफ़ी आसान होता है। अगर आप एक स्टूडेंट है आप ले सकते हो, अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है, बहुत अच्छा सिविल स्कोर नहीं है, तो भी आप इस कार्ड को ले पाएंगे। सो इस वीडियो में मैंने कम्प्लीट प्रोसेस दिखाया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। Thank you.